chita le pat, tout ça, on se dit encore un peu. अंदाज से के दुनिया के तू होश उड़ा हर गीत में तो अपने सुर की है और बड़ा छाने में नशा तेरी मंजिल अब दूर नहीं कदमों को जरा तू तेज बढ़ा आज के बाद इस मंच के सारे फैसले लेंगे आप यानी कि जनता। जी हाँ, क्योंकि आज क्रिसमस वीक के मौके पर हमें मिल जाएंगे दमदार 10 के सभी 10 डांसिंग स्टार्स। ये 8 पहले ही दमदार 10 में अपनी जगह बना चुके हैं और बाकी 2 चुने जाएंगे आज। ग्रैंड मास्टर ने वाइल्ड कार्ड के जरिए मौका दिया है इन कंटेस्टेंट्स को कि वो डांस के सबसे बड़े मंच पर अपना अगला कदम बढ़ाएं। तो कौन से 2 कंटेस्टेंट्स आज ग्रैंड मास्टर का दिल जीतकर बनेंगे दमदार 10 का हिस्सा, जानने के लिए वेलकम टू द वाइल्ड कार्ड स्पेशल ऑफ मारुति सुजुकी डांस इंडिया डांस सीजन 4 पावर्ड बाय quicker.com। धमाकेदार डांसिंग गिफ्ट कलेक्ट करने के लिए हो जाइए तैयार। यस, क्योंकि आज इस हफ्ते हम मना रहे हैं क्रिसमस वीक। तो क्रिसमस वीक में क्या होता है भाई लोग? A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon this fanny bride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted एक सेकेंड, ये पहला साइंटा देखा जो इतना गरीब और इतना मतलब यू नो पतला है यार। अब यहाँ पर आए हैं, हमारे दादा का आशीर्वाद नहीं लेंगे कैसे चलेगा? अरे आप ही के उम्र के हैं, रोज शेविंग करके आते, बाकी इतने ही है उनके भी। चलो मनीषा आइए, एक बार दादा आपका आशीर्वाद लेना। आज आप यहाँ पर बहुत कुछ लेकर आए हैं, क्या प्लान क्या है आज आपका? मैं खाली हाथ नहीं आना चाहता था, इतने दिनों बाद आया हूँ DID में, सो सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाए हूँ। गिफ्ट लाए हैं, और स्पेशली एक वाइल्ड कार्ड एपिसोड है, तो वाइल्ड कार्ड एपिसोड मेरे लिए बहुत एक यादगार एपिसोड है, क्योंकि दादा की वजह से, पब्लिक की वजह से मैं एक अंदर आया था वाइल्ड कार्ड में। वाइल्ड कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी वाइल्ड है अपनी वाइल्ड कार्ड में दिखाना। किस किस के लिए क्या गिफ्ट लाए हैं ये तो हम बाद में पता करेंगे, अभी के लिए राघव भैया वहां पर जरा डेरा सा डाल दो जरा। पहले मैं सबसे मिल लेता हूं। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे सभी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट सोलो परफॉर्म करेंगे और सभी परफॉर्मेंसेस हो जाने के बाद हमारे ग्रैंड मास्टर डिसाइड करेंगे कि कौन होंगे वो 2 डांसिंग स्टार्स जो हिस्सा बनेंगे दमदार 10 का।
और आज के सभी परफॉर्मेंसेज में से जिसका परफॉर्मेंस हमारे ग्रैंड मास्टर को लगेगा सबसे ज्यादा ऑलराउंड, उसे मिलेगा वी चैट की तरफ से ऑल इन वन परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब और वी चैट की तरफ से 50,000 रुपए का चेक। 50,000 रुपीज, वाओ। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंसेस की तरफ। हमारी इस डांसिंग स्टार को मुकाबले के पहले ही हफ्ते ये मंच छोड़कर जाना पड़ा था, लेकिन आज दमदार 10 में अपनी जगह बनाने के लिए एक बार फिर आ रही हैं फिरोज की फौज से भुवनेश्वर की कंटोशन डॉल अरुंधति। हाय, मैं हूँ अरुंधति उड़ीसा से और मैं आ रही हूँ वाइल्ड कार्ड एंट्री में तोड़फोड़ परफॉर्मेंस देने के लिए। और जब वो हमको छोड़ के चली गई थी अपने घर वापस, तो रोज हम टच में थे और रोज ये कहती थी कि मैं जब भी पूछता था आप क्या कर रहे हो, तो मैं वाइल्ड कार्ड के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ और बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ अपने आप को। मैं ऐसे हो गया था कि इतना एनर्जी, इतना फ्लेक्सिबल कैसे हो सकता है कोई, इतने सारा एक पूरा पैकेज। अरुंधति ने बहुत मेहनत की है इस वाइल्ड कार्ड में आने के लिए और वो मेहनत दिख रही है जब आप देखेंगे इनको वाइल्ड कार्ड में परफॉर्म करते हुए। लास्ट टाइम कुछ गलतियां हो गई थी मेरे परफॉर्मेंस में, सो उसमें मैं वर्कआउट की हूँ और इस बार मैं डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस दूंगी। अरुंधति आ जाओ पास में, आ सकती हो, इतनी डरावनी नहीं लग रही है तुम। अरुंधति मुझे याद है फर्स्ट एपिसोड में आई थी और यू नो हर एक जन कह रहा था कितनी प्यारी सी लड़की है, कितनी प्यारी सी लड़की है घर में, यू नो सारे एग्रेशन निकाल दिया। हाँ सारे यू नो मतलब जितने भी लड़के यू नो कुआरे लड़के थे वो कह रहे थे आए हाय बहू मिले तो यू नो ऐसी मिले ऐसी मिले। आज के बाद सारी तमन्ना सबकी खत्म हो गई है ये परफॉर्मेंस देखने के बाद। कौन है आपका मेकअप आर्टिस्ट? डीआईडी के। क्या बात है, तभी ऐसा मेकअप होता है। चलिए जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा। और सबसे पहले पूछेंगे हम सबसे ज्यादा जो डरी है इस परफॉर्मेंस से मास्टर श्रुति। मैंने क्या बिगाड़ा था आपका अरुंधति? मैम अरुंधति व्हाट मतलब आपके लास्ट परफॉर्मेंस
आपको देखने के बाद आपका ये परफॉर्मेंस देखना, व्हाट अ वास्ट इंप्रूवमेंट. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. आपने आपके बाउ मूवमेंट्स को एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में और डांस, क्योंकि जो भी फ्लिप्स करते हैं, एक्रोबैट्स करते हैं, लेकिन ये डांस का मंच है तो डांस भी इक्वल होना चाहिए, और आज आपके परफॉर्मेंस में वो था. थैंक यू मैम. आप वो जो बैक बेंड करके पूरे नेक पे रोल करके, आपने तीन रोल लेके वहां पे फुल 360 स्पिन लिया, दैट वाज ब्यूटीफुल. वाह मैम, फैंटास्टिक. थैंक यू मैम. मैम, हैंड रही जो स्टक था वो मेरा बिल्कुल नहीं होता था. हाफ स्पिन के बाद आई यूज टू जंप डायरेक्टली, लेकिन आज पता नहीं कैसे हो गया. इट इज वेरी नाइस. सी मैजिक गॉड. यस मैम, जब होना होता है ना सब अच्छे से हो जाता है. वेरी नाइस. आई एंजॉय, थरली एंजॉयड. और आपका जो मिशन था कि डराना, मिशन अकम्प्लिश अरुण जी. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. सबसे पहले तो आपका पहला इंप्रेशन था आपका मेकअप, तो वो एक सरप्राइज कि अरुंधति ऐसी दिख रही है और अलग दिख रही है. सो दैट वाज वेरी नाइस. दूसरी चीज, मुझे सच में लगा कि वो चोट लगी है आपके पैर में जो मेकअप है. नहीं. तो मैं बोला अरे बाप रे, इतना रियल मेकअप किया गया है. आपने स्टार्टिंग में किक ड्रॉप किया, किक किया और नीचे फ्लैट ड्रॉप किया. फॉर अ गर्ल इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस भी बहुत होनी चाहिए, और जितनी बार भी हम प्रैक्टिस करें ड्रॉप करते वक्त इट्स थोड़ा हर्ट होता है. शॉक लगता. हाँ, वो बहुत कमाल का था आपका, बहुत डेयरिंग से आपने उसको ड्रॉप किया. गुड स्टार्ट, ग्रेट एंड. थैंक यू सर. अरुंधति वॉज इन टच विद मी एवरी डे फोन पे. बातें होती थी हमारी पूरी टीम के साथ में, और जब भी मैं पूछता था कि अरुंधति आप क्या कर रहे हो अभी, तो ये कहती सर वाइल्ड कार्ड के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ, और इसके लिए पूरी पूरी मेहनत चल रही है. तो एंड मेरी टीम के लिए भी मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतना साथ दिया. वेरी लोन, थैंक एवरीवन फॉर दिस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर. अभी श्रुति जी ने कहा है कि आप एक टर्न करने की कोशिश कर रही थी, तो आपने कहा कि मैं हाफ वे में मैं जम करके चली गई थी, पता नहीं आज कैसे हो गया. तो श्रुति जी ने कहा कि भगवान कुछ नहीं करता है अरुंधति, भगवान सिर्फ मौका देता है. यस सर. करना आपको होता है, वो आपने किया है. थैंक यू सर. आपने कोशिश की और हो गया, है ना? हाँ सर. थैंक यू वेरी मच. विल सी लेटर. थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर, एंड थैंक यू सो मच अरुंधति, इतना खतरनाक परफॉर्मेंस दिखाने के लिए. अभी के लिए आप बैकस्टेज जा सकते हैं. जोरदार ताली हो जाए अरुंधति के लिए. आगे बढ़ते हैं. वैसे ग्रैंड मास्टर, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब भी हमारे राघव आते हैं तो उनका एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जो बहुत शक्तिशाली है और बहुत टैलेंटेड है उस मामले में, और वो है हमारे राघव बाबा. बहुत टाइम हो गया राघव बाबा को नहीं देखा है, तो हम चाहते हैं कि बाबा बाबा प्लीज दर्शन दीजिए हमारे दर्शकों को. आइए आइए. शुरू करते हैं. अरे वाह 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 वाह. आइए आइए. आप बैठेंगी? मैं नहीं बैठ सकती इनका. वाह 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 वाह, कैसी कैसी पोशाकें देते हैं डीआईडी वाले. अरे थोड़ा बजट बढ़ाओ. मास्टर श्रुति जी के हर एक फीचर अलग ही दिखता है टीवी में. वाह वाह, जूम होके. वाह वाह वाह. अगर टीवी म्यूट कर दो तो पूरी पुष्पक पिक्चर लगेगी. वाह. और फिर अब मास्टर फिरोज के बारे में कुछ बताइए, आगे उनका फ्यूचर कितना ब्राइट है. फ्यूचर तो आप देख ही सकते हैं, अरेबिया के किसी गांव के ऊंट लग रहे हैं मेरे मास्टर फिरोज. एंड हमारे जो ये बहुत ही फेमस है मास्टर मुदस्सर, उनका लिटिल मास्टर की कमी पूरी कर रहे हैं आज स्टेज में. वाह 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 वाह. क्या जोड़ी है भैया, क्या जोड़ी है. हाँ, इनके जोड़ी के बारे में कुछ बताइए आगे क्या. अरे फूलो फलो सदा खुश रहो भैया, तुम्हारे जैसे 100 बच्चे हम मुदस्सर. वाह 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 वाह.
हमारे ग्रैंड मास्टर बड़े ऐसे चुप चुप बैठे हुए हैं, उनका भी कुछ बताइए कैसे लग रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या लग रहे हैं दादा, वाह 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 वाह। ए राजू, ए बकवास बंद कर, बाबा की जरा निकाल दूंगा मार के। ये बाबा राजू भी बन जाता है, सब चीज वर्सटैलिटी यू नो। क्या हमारे कंटेस्टेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कंटेस्टेंट वाह 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 वाह, सराली को देखो ऐसा लग रहा है जबड़े में पूरा ब्रह्मांड रखा हुआ है, सारा दिन उठती रहती है, कुछ काम नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है आशु, ऐसा पूरा पमेरियन लग रहा है मेरा भाई। वाह 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 करके जोरदार ताली हो जाए हमारे राघव बाबा के लिए। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली परफॉर्मेंस की तरफ। पिछले ही हफ्ते एलिमिनेट हुई ये डांसिंग स्टार आज करेगी एक धमाकेदार वापसी डांस के सबसे बड़े मंच पर। पेश है फिरोज की फौज से डांसिंग डायनामाइट जूही। जूही, डांस के सबसे बड़े मंच पर आपका सफर सिर्फ यहीं तक था? जूही लास्ट टाइम आउट हुई जस्ट बिकॉज उसकी हेल्थ खराब थी, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, उसका बहुत प्रॉब्लम था बॉडी में, हेड बैंग हो गया था, उसमें स्टिचेस भी पड़ा था, हाथ जल गया था, तो ऐसा ऐसा मतलब छोटा मोटा करके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। जूही एक ऐसी परफॉर्मर है जो कि बहुत ही वर्सेटाइल है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो ग्लैमर है, एक 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 बंदे का एक पसोना होता है कि जब बंदा परफॉर्म करता है या बंदी परफॉर्म करती है तो अपने आप को कैसे कैरी कर सके ऑन स्टेज, तो वो जूही है जो अपने आप को इतना वेल प्रेजेंट करती है। इस बार वो वाइल्डकार्ड में आ रही है और मुझे पता है इस बार वो बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा दमदार परफॉर्मेंस देने वाली है। I'm sure कि एक हफ्ते का जो मुझे गैप मिला है जिसमें मैंने रेस्ट भी किया है, मेरे वूंड्स थोड़े बेटर हो गए हैं ऑफकोर्स, तो ये वाला परफॉर्मेंस इस परफॉर्मेंस से बहुत बेटर होगा। और एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जितना मेहनत मैं कर रही हूँ मैं वापस आऊंगी वाइल्डकार्ड में और मेरा जर्नी स्टेज पे आगे भी कंटिन्यू रहेगा।
Fantastic. Come on, guys. Oh, no, Tala, Ola. जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा और सबसे पहले पूछेंगे हम मास्टर मुदस्सर से। जूही, आपने वो पोल से हेड स्किट नीचे किया पूरा वो रिवर्स आपने, सो वो बहुत वेल एग्जीक्यूट हुआ, मतलब बहुत ही रिच लगा वो मुझे। कहीं कहीं पर आपका थोड़ा वो फायर, स्पेशली फायर सिक्वेंस के बाद आपका एनर्जी मुझे थोड़ा ड्रॉप लगा। जो भी खामियां हुई है उसको आप इंप्रूव करिए, अदरवाइज ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जूही, पहले तो वेलकम बैक। थैंक यू मैम। मेरे लिए जब भी आपके मूव्स आए, जो एक ग्रेस, एक कंप्लीशन ऑफ अ स्टेप, कि आप अगर हाथ का मूवमेंट कर भी रहे हो 1 2 3 4 5, यू हैव टू फिनिश द मूव एंड देन गो ऑन द नेक्स्ट मूव, तो वो एक क्लैरिटी ऑफ मूवमेंट्स अगर ये परफॉर्मेंस में होता तो वो एक अलग परफॉर्मेंस होता। बट एनीवेज, आपने ये परफॉर्मेंस दिया, वी ऑल थॉरली एंजॉयड इट, सो गॉड ब्लेस यू जूही एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। आप एक फाइटर के जैसे वापस आई हैं इतनी चोट लगने के बावजूद भी, बट हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जो भी आपने परफॉर्मेंस आज किया, आई थिंक फॉर मी इट वॉज अ वेरी नाइस परफॉर्मेंस। मेरे हिसाब से हमने एक फ्री स्टाइल कैबरेट चुना, उसमें हमने पोल डांसिंग ऐड कर दिया, फायर बॉयज ऐड कर दिया, तो उसको थोड़ा फ्री स्टाइल के यू नो डायरेक्शन में हम ले गए। मगर जो भी आपने किया बहुत ही अच्छे से किया, ऑल द मूव्स आर वेरी स्विफ्ट, और अगर आपको इंशाल्लाह चांस मिले आगे जाने का तो वो भी हम कमी पूरी कर देंगे, एक प्रॉपर कैबरे आपसे परफॉर्म करवाएंगे। सो आई जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जूही। यस ग्रैंड मास्टर, बताइए कि आपको जूही का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा? फैसला क्या होगा, कौन आएगा जाएगा पता नहीं, बट यू हैव ए फैंटास्टिक स्टेज प्रेजेंस। थैंक यू सो मच। कि आपके जो पोल पोर्शन था क्लीन। थैंक यू सो मच। स्टेज के जितने पोर्शंस थे क्लीन एंड वेरी ग्रेसफुल। मैं इसको इस अंदाज से कहूंगा कि फुल परफॉर्मेंस वॉज ए डांस परफॉर्मेंस एंड ए वेरी वेल डन। थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर। थैंक यू। जोरदार ताली हो जाए जूही के लिए। थैंक यू। और जूही, ये बैग तुम्हारे कॉस्ट्यूम के साथ बहुत अच्छा सूट करता है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे आप वहां से वहां तक लेकर जाते हैं। 1 2 3 आगे बढ़ने से पहले मैं राघव से पूछना चाहूंगा। राघव, आप हमारे पिछले सीजन डांस इन डांस सीजन 3 के आप कंटेस्टेंट रह चुके हैं, सो आप हमें बताइए कि आपको हमारे जो ये जो कंटेस्टेंट्स लगे हैं डीआईडी सीजन 4 के, वो कैसे लगे हैं, कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? हर बार कुछ ना कुछ डीआईडी यूनिक लाता है, अलग लाता है। इस बार सभी बहुत यूनिक है, सबका अलग एक स्टाइल है, सबका अलग, किसी का स्वैग है, किसी का स्टाइल है, स्पेशली सबकी एक अलग अलग क्वालिटी है। अलग बंदा आता तो अलग दिख जाता है कि ये आ रहा है, जैसे ये रोती रहती है लेकिन बहुत क्यूट है। ऐसे फर्स्ट टाइम ऑडिशन बैले किया था, मैंने खुद देखा था घर बैठ के, और बिक्की तो बहुत क्यूट है दादा। कैसे? ऐसे। और स्वराली तेरे को क्यों अच्छा लगा? स्वराली दीदी मुझे अच्छी लगती है बहुत। दीदी दीदी मुझे कोई दीदी बोलता यार, मैं मजाक कर रहा था। मुझे अच्छा नहीं बोलता ना, मैं तो भूल ही नहीं गई। चांटा मार के ना तेरा मुंह सुजा दूंगी मैं दादा। मुझे स्पेशली मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है दादा। जब ये स्टेज में आते हैं, ऐसा हमारे पहले एक शक्ति और अमर थे, बिल्कुल वैसे ही एक फील आता है इनको देखे कि एक बहुत अलग। तुझे दीदी क्यों बोला था? दादा इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियन इज आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री, इट्स अ प्लेज दादा। और धीरज? धीरज बहुत अच्छा लगता है दादा, सच्ची में अच्छा लगता है, लगता है जिस्म 4 में यही आना चाहिए। और सृष्टि? सृष्टि भी बहुत अच्छी है दादा, मतलब बहुत अच्छी लगती है मुझे। और सृष्टि को दीदी नहीं बोला मेरा राघव, सृष्टि को दीदी नहीं बोला तुमने? सृष्टि को दीदी नहीं बोला? एक बात बता दादा, मत करो, मैं बड़ा हो गया हूँ अब। तूने क्या बोला, मुझे अच्छी लगती है, वो खूबसूरत लड़की है, सभी को अच्छी लगती है। हाँ, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। नहीं बट तुझे क्यों अच्छी वो लगती है बता दादा?
डांस अच्छा लगता है मुझे इसका। पहले बोला अच्छा लगती है, अभी डांस बोल रहे हैं। अच्छा दादा ये पूछ लो, इन सब में से आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? लड़कों में बताइए फिर लड़कियों में एक बताइए। ओके माना ना अच्छा लगता है मुझे कि थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि स्टाइल स्वैग है उसमें और काफी कुछ मेरे स्टाइल से भी मतलब मिलता जुलता है, तो मुझे मनन बहुत अच्छा लगता है। और लड़कियों में सृष्टि हम बोल देते ना तो तकलीफ हो रही है। ठीक है भाई आचल सृष्टि अच्छी। दादा नहीं 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 समझा करो बोल, तूने तो बोल दिया सृष्टि मुझे अच्छी कुछ नहीं बोला दादा, मम्मी कथा मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ तो मुझे मनन अच्छा लगता है बहुत ऊर्जा। अच्छा चलो मनन तू थोड़ा एक बार डांस करके दिखा। चल होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला इश्क वाला तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ। इश्क वाला अगर इश्क भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ। इश्क वाला मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है, आंखें मल के मैंने देखी है सुबह। हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी देने चढ़ा। झाकी बाकी झाकी चांदी को तेरी चांदी मुझको खिला, लेके नूर सागर चांद मेरा यही दे है छुपा छुपा राघव को देख के आई फील सो प्राउड। ये सभी सोचते हैं कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है ये दादा ने क्या सोच कर रखी है। बट आपको बता दूं इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार ऑफ डीआईडी और ये भी वाइल्ड कार्ड एंट्री से आया है। आई लव यू दादा। हाँ आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था जो अभी जब ब्रेक हुआ था और सब अपने काम में बिजी हो गए थे, सृष्टि मेरे पास आई थी और सृष्टि के मन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं वो जो शेयर करना चाहती है। वो कह रही थी कि प्लीज मुझे वो मौका दे दो, तो मैं चाहूंगा कि सृष्टि प्लीज मंच पर आ जाए। प्लीज जोरदार ताला हो जाए सृष्टि के लिए। ऐसे क्यों कर रही है जैसे तुमने मुझसे कुछ बात ही नहीं की, पीछे इतनी सारी बातें कर रही थी कि मेरे को एक मौका दे दो एक मौका दे दो। ठीक है तुम नहीं बोल सकती मैं बोलूं। लज्जा रही हो तुम, लाज आ रही है ना तुम, क्या शर्म आ रही है? हाँ दादा मेरे को बैक स्टेज बोली थी कि क्या बोल, तुम क्या राघव को कुछ बोलना चाहती हो? नहीं दादा वही है। क्या बात है? हाँ तो एक काम करो राघव जरा इधर आओ, राघव जरा इधर आओ। ये क्या यार गया तू? अरे बैठो, अरे उनके साथ खड़े हो मेरे साथ क्यों खड़े हो भाई? दादा राघव ने तो बता दिया दादा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कितने बड़े फैन है या फिर कितनी अच्छी लगती है सृष्टि उन्हें। बैक स्टेज सृष्टि मुझे बोल रही थी कि यार एक बार एक डांस हो जाए राघव के साथ मजा आ जाएगा, तो मेरी बाट लग जाएगी। आपको पता है कलकत्ता के लोग कैसे होते हैं आप समझ रहे हो ना। सुशीत में डांस करना है, मौका मिल रहा है तो ठीक है। मौके तो क्या क्या है? आजा मामला सेट कर ले, आजा मामला सेट कर ले।
रहे तू हंसती रहे या नाली खिलती रहे जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे काली सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे तुमको सब छेड़ेंगे मत तो फिर चले बढ़ते हैं हमारी अगली परफॉर्मेंस की तरफ। पिछले ही हफ्ते एलिमिनेट हुए ये डांसिंग स्टार तैयार है इस मंच पर अपनी जोरदार वापसी करने और दमदार दस में अपनी जगह बनाने के लिए। पेश है श्रुति के शानदार से पुणे के बीट किंग सुमेध। लास्ट एपिसोड में मैं एलिमिनेट हो गया था। उनका एलिमिनेशन हम सबको एक शॉक की तरह आया। अभी मेरे को चांस मिले कि मैं वापस आऊं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, उसको बीट किंग का नाम दिया है। वो डेफिनेटली इस तैयारी में कि वो खाली वापस ही ना आए, सीधा टॉप फाइव के अंदर जाए, फाइनलिस्ट बने। एक जो री एंट्री अगर हुई तो आई थिंक द किंग विल बीट ईच एंड एवरी परफॉर्मर ऑन द स्टेज ऑफ डीआईडी सीजन 4। बाकी कंटेस्टेंट्स को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिशन तो बस अभी शुरू हुआ है, देखते रहो क्या क्या होगा।
फैंटास्टिक, कम ऑन गाइस, जोरदार तालियां हो जाए सुमित के लिए। फैंटास्टिक सुमित, जानते हैं फिर आप मास्टर से, और शुरू करेंगे हम मास्टर फिरोज से। सुमित वेलकम बैक। थैंक यू सर। व्हाट एन एंट्री, व्हाट एन एंट्री। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यू वर एक्चुअली अ किंग ऑफ ऑल द बीट्स, सीरियसली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पे आके एक स्पॉटलाइट में किया, तो हम जब देख रहे थे स्क्रीन पे तो ऐसा लग रहा था कि आप खड़े हो। इट वाज अ वेरी इल्यूजन फॉर अस। ओवरऑल आई थिंक आई लव्ड योर परफॉर्मेंस सुमित, यू आर अ बीट किंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे आपका स्पेशली जो एक्चुअल सुमित डांस है, जो सुमित का जो स्टाइल है बीट वाला जो डांस, वो मुझे आपका वो डबस्टेप पोर्शन लगा। That was giving a great look. You are really a great popper. Great poppers के नाम में अगर आज हमारे देश में प्रिंस का नाम आता है, तो मुझे लगता है आगे जाके आपका भी नाम आएगा। Thank you so much, sir. Thank you so much. The Beat King is back. Woo! तुम्हें पता नहीं क्या होगा, आपका सफर जारी रहेगा नहीं रहेगा, बट मुझे देखना था आपको और एक बार वो स्टेज पे। जो हालात थे पिछले हफ्ते, उसके बाद एक एक आपके और मेरे बीच में एक वो एक चीज थी कि नहीं, एक बार जो एक सुमेध का एक परफॉर्मेंस, ऑल आउट परफॉर्मेंस होना चाहिए एक बार। सुमेध, यू किल्ड इट ऑन स्टेज। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लगा कि ये जो धक्का लगा है ना, धक करके, वो आपके लिए इट हैज गॉट आउट अ बेटर परफॉर्मर इन यू सुमेध। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, all the best, god bless you. Thank you master, grandmaster. Ek parinde ki udaan ki pehchan uske take off se, jab ne take off liya humne samajh gaya ye udaan kahan tak jayegi. Thank you very much. Thank you sir, thank you so much, thank you so much grandmaster. Ha Sumit, tum mujhe kuch bole the ki mujhe kuch baat karni hai, bataiye. मैं जब यहाँ आया था तो मैं सोच के ही आया था कि आज पता नहीं कुछ भी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पूरा इमोशनल, पूरा दिल खोल के रहूँगा। लास्ट वीक के बाद जब मैंने मेरे घर वालों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ इंटरेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे ये बोला, श्रुति मैम के साथ डांस करना देखो बहुत पसंद है ना, तो एक बार मराठी गाने पर कर दे, तो मैं एक बार दिल से करना चाहता हूँ श्रुति मैम। क्या बात है सुमित, मतलब कमाल का परफॉर्मेंस हो गया, उसके बाद आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। मैं तो चाहूंगा कि अगर ऐसे ही ख्वाहिशें और होती रहे तो और मजा आएगा, लेकिन उसके लिए आप इस शो पे बने रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आगे क्या होगा ये सिर्फ ग्रैंड मास्टर जानते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैक से जाएं और रिजल्ट का इंतजार करें। ऑलराइट, जोरदार ताली हो जाए सुमित के लिए। जनता, आपके प्यार को देखकर हमने सोचा कि आपको भी एक मौका क्यों ना मिले कि बिना स्टेज पर आए अपने जज्बे को डांस के जरिए बयां करने का। वैसे भी आप जानते हैं कि
इस बार हमारा थीम है डांस इट आउट, तो इसीलिए हम शुरू करने जा रहे हैं डीआईडी डांस इट आउट। ये एक वेबिसोड सीरीज है जिसमें हर हफ्ते हमारे मास्टर्स आपको एक थीम देंगे और आप अपने डांस वीडियोस अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, और हर हफ्ते हमारे मास्टर्स डिसाइड करेंगे इस हफ्ते का विनर कौन है। 6 हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहेगा, उसके बाद डीआईडी डांस इट आउट इस सीरीज का विनर कौन है उसका नाम अनाउंस किया जाएगा हमारे ग्रैंड फिनाले पर। तो इस हफ्ते का थीम क्या होगा ये बताएंगे मास्टर मुदस्सर। दोस्तों, इस हफ्ते का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस हफ्ते की जो थीम है, वो मैं समझता हूं कि हम सब काम करते हैं, पढ़ते हैं, अपनी लाइफ में जो भी चीज चाहिए वो हमें हम पाने की कोशिश करते हैं, हम पाने की इच्छा रखते हैं, पर सबको वो चीज मिलती नहीं है। और मैं समझता हूं इस बार का जो मेरा थीम होगा वो होगा मेरा हक, यानी कि माय राइट। सो ऑल द बेस्ट। चलिए फिर आप बढ़ते हैं आगे, और अब बारी हमारे अगले परफॉर्मेंस के। मेगा ऑडिशंस में बाहर हुए ये स्टैंड बाय कंटेस्टेंट आज दमदार 10 में अपनी जगह बनाने और अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए आ रहे हैं। पेश है अहमदाबाद के हेमंत गुरखा। हाय, मेरा नाम है हेमंत गुरखा और मैं जोरों शोरों से रेडी हूँ वाइल्ड कार्ड एपिसोड के लिए। हेमंत गुरखा बहुत बहुत ही मेहनती है, हम लोग कोरियोग्राफी राउंड से उनको देख रहे हैं, मेगा ऑडिशंस में भी उन्होंने परफॉर्मेंस किया था। उनकी एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है कि वो डीआईडी सीजन 3 में जब आए थे, मतलब ही हैड लॉस्ट हिज मदर। घर पे बैठ के जब भी डीआईडी देखता था मैं सोचता था कि अगर मैं टॉप 18 में सिलेक्ट हुआ तो इस स्टेज पे मैं अपनी मॉम के लिए एक सॉन्ग परफॉर्म करूंगा, स्पेशली उनको डेडिकेट करूंगा। वो मौका मुझे नहीं मिल पाया बिकॉज मैं स्टैंड बाय में हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से आके ये बोला कि मैम, मेरी मम्मी का ये विश था कि मैं डीआईडी में आऊं, मुझे पता नहीं मैं आगे जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मेरे वाइल्ड कार्ड का एंट्री मैं चाहता हूं कि ये मैं मेरी मम्मी को डेडिकेट करूंगा। हेमंत भैया, आप बहुत प्यारे डांसर हो और ये भी जानती हूँ कि आप जो मॉम के लिए कर रहे हो वो सबको पसंद आएगा और अच्छा अच्छा कमेंट्स मिलेगा आपको और आप टॉप 10 में आओगे। मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है। जहाँ रहूँ मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ के नहीं कहूँ ये जो दिल मास्टर से जानते हैं। मास्टर फिरोज, आप बताइए आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? हेमंत,
जी सर। इट वॉज ब्यूटिफुल। थैंक यू सर। आपने एक एक कार्टवील मारा ट्रैम्पोलिन के पास से, इट वॉज वेरी नाइस एंड क्लीन। फिर आपने सेंटर स्टेज आके एक बेबी वॉक किया, पूरे एक्ट में आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट। हालांकि बहुत ही सिंपल है बेबी वॉक, मगर बिकॉज ये गाना आपने अपनी मम्मी को डेडिकेट किया तो मैं उस चीज को कनेक्ट कर पाया। सिर्फ एक ही बात कहूंगा, खुश रहो एंड जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई लाइक योर स्टार्ट, नाइस स्टार्ट। उसके बाद मुझे आपका एक बहुत बेहतरीन, आई अप्रिशिएट दैट, हेड हॉलो लगा वहां पर, बहुत अच्छा टाइमिंग था। थोड़ा परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए, आई एम श्योर आप बहुत आगे जाएंगे। ऑल द बेस्ट। श्योर सर, थैंक यू सो मच। मास्टर श्रुति, एक बार, एक मिनट, जय भाई। मास्टर श्रुति के कमेंट से पहले सैंटा ने उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजा है। सैंटा ने? हाँ बिल्कुल। हाँ, हम जरूर देखना चाहेंगे। तो मैं उनका वो पहनाना चाहूंगा। इतने सारे हाथ, ये तो कानून के हाथ से भी बड़े हैं भाई। ये स्पेशली आपके एक्सप्रेशंस को और आपके हाथों की कलाइयों, ये बिल्कुल। अब आप इसी के साथ कमेंट दीजिए अपने, तो बहुत अच्छा लगेगा। हेलो हेलो हेलो। आज पहली बार मास्टर श्रुति खुल के कमेंट्स दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मास्टर श्रुति, इस कोरियोग्राफी में आप ही का हाथ था, सो बताइए कि कैसा किया इन्होंने? माँ काली की जय। जय हो हेमंत। होलो बैक जो आपने मारा वहां पे, आपने वो 16 बीट तक होल्ड रखा। क्या लग रहा है पीछे से? ऐसा लग रहा है ऑक्टोपस घूम रहे हैं यहाँ पे। बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मुझे हेमंत जो लगा वो ये था कि आपने दो हैंड कार्टवील मार के, वन हैंड कार्टवील मार के सर पे आपने कार्टवील मारा। ब्यूटिफुल ट्रांजिशन। एज अ परफॉर्मर आप में स्कोप है अ लॉट टू इंप्रूव, ठीक है? सो आई लव यू अ लॉट हेम। हाँ, आई लव यू अ लॉट हेमंत, यू आर फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। थैंक यू, ओके। हाय, एक एक मैं जरा देखना चाहता हूँ, इतने सारे हाथों से अगर फ्लाइंग किस दे तो कैसा लगे? हेमंत, दिस इज फॉर यू। चलो लास्ट में बाय बाय करो, बाय बाय। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और ग्रैंड मास्टर, आप बताइए आपको ये अंदाज कैसे लगा हमारे मास्टर श्रुति का, और ये जो गिफ्ट हमारे राघव बाबा ने दिया है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैंडफुल परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया। बाकी रह गए आपके परफॉर्मेंस की बात, मैं खाली इतना ही कहूंगा, डांस नहीं छोड़ना चाहे फैसला कुछ भी हो। श्योर श्योर। तुम में वो है, वो स्पार्क ऑफ लाइट, आई कैन सी इन यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर, थैंक यू सो मच हेमंत। आप बैक से जा सकते हैं, जोरदार तालियां हो जाए हेमंत के लिए। मास्टर श्रुति, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यहां पर। अभी ये फिनाले तक रहेगा। हाँ क्यों नहीं, आइए आइए यहां पर आ जाइए। मास्टर श्रुति, मैं देखना चाहता हूं कि आप इतने सारे हाथों के साथ डांस कैसे करते हैं, और साथ में ऐसे मत सोचिए कि आप अकेली हैं, मतलब यू नो, तो कोई आपके साथ डांस नहीं करेगा ये काम। मैं नहीं, हमारे राघव बाबा करेंगे। राघव बाबा आते हैं कि डांस हो जाना चाहिए इसके साथ। जो कर काले हो जाए, आ जाइए आ जाइए। मेरे हाथ सारी जन्नतें मेरी।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे अगले परफॉर्मेंस की तरफ। मेगा ऑडिशन पार करने में नाकामयाब, आज दमदार 10 में अपनी जगह बनाने और देने एक धमाकेदार परफॉर्मेंस आ रहे हैं फिरोज की फौज से उदयपुर के स्टैंड बाय कंटेस्टेंट हेमंत गोरखा। हाय, मेरा नाम हेमंत गोरखा है और मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। और बहुत ही बच्चा मेहनत कर रहा है और हर चीज को, उसको तो सारी कोरियोग्राफी पता है। हम जब ट्रेनिंग करते थे किसी को तो बैठे बैठे देखता रहता था और जरा भी हम कुछ हेल्प करने के लिए तुरंत भाग के आ जाता है। तो ग्रैंड मास्टर ने मुझे स्टैंड बाय में रखा है, तो अब 2 महीने बाद मेरी बारी आई है वाइल्ड कार्ड में। सेंस है ना वो बीट पकड़ने वाला, वो बहुत अच्छा है। हालांकि अभी तक परफॉर्मेंस हुआ नहीं है, जब वाइल्ड कार्ड में उनका परफॉर्मेंस होगा तो आई एम श्योर ही विल गोना रॉक द फ्लोर। सो आई जस्ट विश एंड प्रे ऑल द वेरी बेस्ट। इस स्टेज के लिए मैंने अपना घर छोड़ा था 3 साल के लिए और आज यह मौका मिल रहा है मुझे परफॉर्म करने के लिए, तो मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुर्ख वाला, सोज वाला, बैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा बैज वाला लव, इश्क वाला लव। तू आज गलत थी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर, ये पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला। कैसा किया? सो शुरू करते हैं मास्टर मुदस्सर से। हेमंत। यस सर। वेलकम बैक। थैंक यू सर। व्हाट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपिंग एंड डबस्टेप। थैंक यू सर। आपका जो फोर्टे है मोस्टली क्रम्प करते हो, उसको आपने डबस्टेप और पॉपिंग के साथ लिरिकल थोड़ा बहुत करके एग्जीक्यूट किया, बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा जिसमें आपको इंप्रूव करना है, वो है एक्सप्रेशंस। Yes, उसमें आप इंप्रूव करिए, फिर तो आप भैया बॉस है, बॉस। ऑल द बेस्ट। एफर्टलेस परफॉर्मेंस, स्मूथ परफॉर्मेंस मेरे लिए। वो एक ब्यूटीफुल करेक्ट बीट पे जब आपने वो एक स्पिन लिया यहाँ पे, ब्यूटीफुल क्लीन हैंड मूवमेंट्स। थोड़ा टाइट अगर होता था ना तो एकदम मक्खन होता था। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम। हेमंत की एक मैं बात बता दूं, बहुत ही शाय किस्म के इंसान है, बहुत ही शर्माते रहते हैं, तो अभी भी शर्मा रहे हो। तो ये इनको परफॉर्मेंस करनी थी, तो मैंने कहा था कि अगर आप स्टेज पे परफॉर्मेंस करोगे तो प्लीज कनेक्टिविटी रखना। तो आई थिंक हेमंत आपने बिल्कुल कनेक्टिविटी रखी,
आपने बीच में जाके वो कनेक्टिविटी तोड़ दी थी जब आप इस तरफ आए थे, बिकॉज आई थिंक आप मेरे काफी क्लोज आ चुके थे, तो शायद हल्का सा आपको डर लग रहा था, बट कोई बात नहीं, बट आई एम श्योर इंशाल्लाह अगर अगर आप हमारे साथ आप आगे चलें तो मैं चाहूंगा कि आपकी वो गलती भी मैं सुधार के रहूंगा, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस वॉज रियली नाइस एंड स्वीट, सो विश यू ऑल द गुड लक, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मास्टर। ग्रैंड मास्टर हेमंत, मैं फिरोज सर के साथ सहमत हूं, कल यू कनेक्शन लेके आओ, टेक्निकली यू आर परफेक्ट। थैंक यू दादा। बट अगर डांस परफॉर्मर बनना है, स्टार बनना है, तो बहुत जरूरी बात है ये कनेक्शन। यस जोड़ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दादा। चलो फिर ऑल द बेस्ट हेमंत, जोरदार ताली हो जाए हेमंत के लिए। थैंक यू। वेल, आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा हमारे सुपरस्टार राघव को कि वो डांस के सबसे बड़े मंच पर आए और यू नो इतनी सारे गिफ्ट्स दिए हमारे मास्टर्स को और इतनी अच्छी अच्छी बातें की, डांस कर लिया सबके साथ, लेकिन सबके साथ नहीं किया है तो मैं सबका दिल रखना चाहूंगा, सभी को आपके साथ डांस करना है और तभी आप यहां से जा सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे डांसिंग स्टार्स के साथ यहां पर आ जाए और एक डांस हो जाए, क्या कहते हो? Thank you, Raghav. Thank you. Thanks for coming. Thank you, Dada. Thank you so much, Raghav. Zorda taali ho jaye, Raghav ke liye. Thank you. Guys, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ DID Little Masters 3 के लिए. So please be ready, kids. छोटे छोटे बच्चे इस बार भी कुछ भलता लेके आना. I hope I'll create a new Rohan this time. Let's see. Let's go. Thank you so much, Zorda taali ho jaye, Raghav ke liye. एक तरफ ये वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स दे रहे हैं धमाल परफॉर्मेंसेस, वहीं दूसरी तरफ डांस के बाप भी तैयार हैं इस मंच पर अपना कमाल दिखाने के लिए। ऑडिशंस का ऐलान हो चुका है, 22 दिसंबर गुवाहाटी और देहरादून में, सो सारे बच्चा पार्टी, अपने मम्मी डैडी के साथ जरूर आना, बहुत मस्ती होगी। तो आज के सभी परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं और अब मैं चाहूंगा हमारे ग्रैंड मास्टर से कि वो हमें बताए कि दमदार 10 में शामिल होने वाले वो दो नाम कौन हैं। और अब ग्रैंड मास्टर का फैसला मेरे हाथ में है, सो आई विश ऑल द वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स ऑल द बेस्ट। हमारे आज के वी चैट ऑल इन वन परफॉर्मर ऑफ द डे और दमदार 10 में अपनी जगह बना चुके हमारे पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट हैं सुमेध। कांग्रेचुलेशन सुमेध, आप बन गए हैं हिस्सा DID के दमदार 10 का और साथ ही आपको मिलता है वीचैट की तरफ से 50,000 का चेक। आप शामिल हो सकते हैं हमारे दमदार 10 में, कांग्रेचुलेशन सुमेध, वेलकम बैक टू श्रुतिके शानदार। और वो आखिरी नाम जो पूरी करेगा दमदार 10 की तस्वीर, वो डांसिंग स्टार है अरुंधति। कांग्रेचुलेशन अरुंधति, आप शामिल हो चुके हैं हमारे दमदार 10 में, जोरदार ताली हो जाए। All right then. तो ये है डांस इन डांस सीजन 4 के दमदार 10 डांसिंग स्टार, जोरदार ताली हो जाए। और अब इनकी किस्मत है आपके हाथ, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है वोटिंग का सिलसिला,
कल से खुलेंगी वोटिंग लाइन, तो सोच समझकर और दिल खोलकर वोट करें अपने फेवरेट डांसिंग स्टार्स को। हम सब मिलेंगे कल हमारे दमदार 10 के धमाकेदार परफॉर्मेंसेस के साथ। टिल देन इंडिया, आप सब साथ में करिए। कीप डांसिंग।